बाजरे को उगाने के अनुसार हमने तीन भागों में भारत में बांटा गया है। इसमें एक A1 जोन है जहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से कम होती है, और तीन राज्य इसमें आते हैं, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। और एक ए जोन है जिसमें 7 राज्य आते हैं, इनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इन राज्यों में जो एनुअल रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से अधिक होती है। और तीसरा हमारा जोन है जिसे हम बी जोन बोलते हैं, इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं तमिलनाडु आते हैं, और इन राज्यों के लिए भी अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। तो जोन के हिसाब से हमें किस्मों का चुनाव करना है। पूसा संस्थान ने जोन A1 के लिए पूसा कंपोजिट 443 विकसित की है, जिसकी उपज 22 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरी हमारी जो किस्म है वो पूसा कंपोजिट 612 है, जो बी जोन के लिए विकसित की गई है, और इसकी उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और यह किस्म बी जोन के लिए है और रोग रोधी है। इसके अलावा हमारी एक किस्म है पूसा कंपोजिट 701, यह किस्म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब 7 राज्यों के लिए विकसित की गई है। इसकी उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा संस्थान के द्वारा जो भी किस्में विकसित की गई हैं वो सभी किस्में रोग रोधी हैं। मुख्यतः जो डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत प्रमुख बीमारी है बाजरे में, और दूसरी ब्लास्ट की बीमारी बहुत प्रमुख है। इन दोनों बीमारियों के लिए हमारी जितनी भी किस्में हैं सभी रोग रोधी हैं। बाजरे की बुआई है वो 15 से 30 जून के बीच में इसका उपयुक्त समय होता है। बाजरे में प्रति एकड़ बीज की मात्रा 2 किलो के लगभग की जरूरत होती है, और जिस खेत में हमें बाजरे की बुआई करनी है उस खेत में जल निकासी की सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पानी खेत में रुक जाएगा तो उससे फसल को हानि पहुंच सकती है। दूसरी बात यह है कि हमें किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमेशा ही अपनी जो फसल है वो लाइन में लगाएं, और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर है। खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है बाजरे में, और जो पहले 30 दिन है वो बहुत ही निर्णायक है। उन दिनों में इसमें खरपतवार नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उर्वरक की मात्रा है बाजरे में वो सामान्यतः 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर एंड 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।